सो हेलो एवरीवन, चलिए मैं आज आपको नेल आर्ट करना बताती हूँ। सो उसके लिए चलिए पहले अपने नेल्स को कट कर लेते हैं। अब उसको अपन अच्छे से बफ करेंगे। अब इसको अपन डस्ट आउट कर लेंगे। इसके बाद में हमें पुशर से अपने क्यूटिकल को पुश करना है। उसके बाद हम अपने नेल्स में प्राइमर लगाएंगे। उसके बाद हमको अपने नेल्स को देखना है और नापना है, वो साइड से इसकी किनारी ना निकले, उसके साइज का देख के और उसको चिपकाना है ग्लू के साथ में। अब इसको हमें कटर से कट कर लेना है, हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी रखें। अब इसको हम फिर से बफ करेंगे और इसको हमें अपने नेल्स को अपने मन चाहे शेप में शेप देना है अपने नेल्स को। और हमें अपने नेल्स को चारों तरफ से इक्वल ही बफ करना है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद हमें पूरा डस्ट आउट कर लेना है। मुझे बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको अपने पैर में रख के करना स्टार्ट कर दिया। अब हम अपने नेल्स में बेस कोट लगाएंगे। और इसे यूवी लाइट में क्योर करने के लिए 60 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। नेल्स चिपकाने के बाद में हमें पहले इसको उंगली से टच करके देख लेना है कि ये कहीं उभार तो नहीं लग रहा। अब इसको हमें क्योर कर देंगे 60 सेकेंड के लिए यूवी लाइट में। फ्रेंड्स, अभी मैं नया नया कोर्स करके आई हूँ, इसलिए कुछ अगर बोलने में मिस्टेक कर रही हो तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना। वैसे अपने साइड से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से बताऊँ। अब मैं नेल पेंट का फर्स्ट कोट लगा रही हूँ और इसको फिर से हम 60 सेकेंड के लिए क्योर कर लेंगे यूवी लाइट में। आपको जो भी जैसी भी कलर की नेल पेंट अच्छी लगे वैसी लगाएं। अब मैंने दोबारा से इसको क्योर करने के बाद मैं अब दोबारा से सेकेंड कोट लगा रही हूँ मैं नेल पेंट का। अब इसको हमने फिर से क्योर कर लिया है 60 सेकेंड के लिए। अब मैं इसमें फ्रेंच डिज़ाइन बना रही हूँ अपने ब्रश की सहायता से। इसे हम बोलते हैं फ्रेंच नेल आर्ट। अब इसको क्योर करके मैंने फिर से इसके ऊपर मैंने मैट कोट लगाया है और इससे हम क्योर कर देंगे 60 सेकेंड के लिए यूवी लाइट में। ये हमारे नेल में फाइनल टचअप कर दिया मैंने। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि आप सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अभी मैंने क्योर कर दिया है इसको 60 सेकेंड के लिए यूवी लाइट में।
अभी यह है मेरा फाइनल रिजल्ट। शेप मैंने दूसरी करी थी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी,